आज हम सीखेंगे इन इंग्लिश वी कॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हिंदी में हम कहते हैं शरीर के अंग। शरीर के अंग कौन से हैं, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है तो यहाँ देखिए आप, ये चित्र को देखकर आपको कौन से अंग को क्या कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में तो ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ पे हिंदी में आपको एक एक करके लिख कर बताऊंगी और दिखाऊंगी कि किसे क्या कहते हैं करके, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले सिर से लेकर नीचे पैर तक। अभी ये वाला जो है यहाँ पे ये जो है ये क्या है, हमारे बाल है, ये क्या है, बाल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बाल। बाल मीन्स क्या है, हेयर, ठीक है। इसके बाद जो आता है, हेयर के बाद आता है ये जो है क्या है, ये जो है कान, क्या कहते हैं, कान, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फेस। फेस पे क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आंखें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आंखें, आंखें, आंखें होने के बाद आंखें के बाद क्या है, यह है नाक। इसे क्या कहते हैं, यह है नाक, ठीक है। इसके बाद नाक के बाद क्या है, ये जो है ओट, यहाँ है जो ओट, ठीक है। ये हो गया फेसेस का। फिर एक बार दोहराती हूँ, ये है बाल, इसको पूरा क्या कहते हैं हम लोग, सर या सिर, हाँ। इसके बाद ये है कान, ये है आंख, ये है नाक, ये है माथा और ये है ओट, ये है दांत, ये है जीभ, ठीक है। इसके बाद ये है चिन को क्या बोलते हैं आप, चिक्स, चिक्स को गाल कहते हैं हम लोग, और इसको क्या कहते हैं, इसका आप पता लगा के मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये हो गए फेस के नाम। अभी आता है नेक्स्ट, यहाँ इसके क्या कहते हैं हम इसे, ये क्या है, नेक को क्या कहते हैं, नेक को क्या कहते हैं हम, गला, या नेक को गर्दन, ठीक है। इसके बाद ये किसको क्या कहते हैं, इसको, इसे शोल्डर, शोल्डर को क्या कहते हैं हम, कंधा, कंधा। कंधा के बाद क्या आता है, यहाँ ये जो है ये छाती, ठीक है, छाती। ये जो है ये भाग कौन सा है, ये है स्टमक। स्टमक को आप क्या कहते हैं हिंदी में, पेट, ठीक है, पेट हो गया। इसके बाद क्या आता है, यहाँ हाथ, हाथ, हाथ की बारी, हाथ में भी पूरा, ये है कलाई, ये है बाहें, ठीक है, ये जो है ये बाहें, ठीक है, और ये जो है ये रिस्ट, रिस्ट कहते हैं ना, ये कलाई, ठीक है, ये हो गई कलाई। और इस तरफ आइए, ये जो है ये है, ये क्या है, कोहनी, कोहनी, ठीक है। अब ये जो है क्या है, पूरा हमारा ये जो है हाथ, ये है हाथ। अभी ये जो है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, ये है कमर, इसे क्या कहते हैं हम, कमर, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है थाइस को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ हम थाइस को क्या कहते हैं, जाग, ठीक है। और ये जो है यहाँ का इसका जो है नीस, नीस को क्या कहते हैं आप, घुटना,
घुटना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है पैर, इसे क्या कहते हैं, पूरा लेग, फीट। ये जो है यहाँ पैर है, और यहाँ जो है ये एडी, ये हो गए शरीर के अंग। चलिए एक बार और एक बार दोहराती हूँ जैसे कि आपको दिखाकर। ठीक है, ये है बाल, बाल यहाँ है। ठीक है, ये है कान, कान मीन्स ईयर, ओट मीन्स लिप्स, आंखें में आईज, नाक मीन्स नोज, गर्दन यानी कि क्या है नेक, कंधा यानी कि शोल्डर। ठीक है, इसके बाद छाती मीन्स चेस्ट, बाहें मीन्स आर्म्स, कलाई मीन्स रिस्ट, और हाथ मीन्स हैंड, एंड दिस वन एल्बो। उसके बाद स्टमक, दैट इज अ पेट वी कॉल। कमर को हम क्या कहते हैं, कमर, हिप्स, बान, दिस वन थाइस। ठीक है, जाद मीन्स थाइस। ओके, उसके बाद क्या है, एड़ी यानी कि टोज, दिस वन फीट, पूरा पैर को हम फीट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ है नीज, नीज यानी क्या है, घुटने। और जैसे कि आपको छोटे छोटे यानी बताया जाए तो ये है वे, और ये है टीथ, दांत, और ये जो है गाल है, ये उंगलियां हैं, ये नाखून है, नाखून है, और ये माता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, टंग को हम जीभ कहते हैं। ये हो गए शरीर के अंग, दिस इज अ पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि शरीर के अंग आपको आज सीखने के लिए मिला है। तो आपको रिकग्नाइजेशन करना है, ये याद रखने के लिए आपको बार बार या तो ये वर्ड्स दोहराने हैं, या तो हिंदी में आपको वार्तालाप करते वक्त या बात करते वक्त ये शब्द, ये वर्ड्स आपको यूज करने, ताकि आपके ध्यान में रह सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये चित्र निकाल कर आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी को नोट यानी कि क्या है पहचान करा के इसका नाम आगे उसको लिखना है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, अगले क्लास में मिलेंगे हम दूसरा वाला, कुछ अ अक्षर से स्टार्ट होने वाले, जिससे कि दो तीन अक्षर को एक से हम पढ़ेंगे, जैसे स्वर और व्यंजन। ठीक है, धन्यवाद।